हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। तो हम लोगों ने कल सप्लाई कंप्लीट किया था। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ पे जीएसटी लगने के लिए क्या होना चाहिए, पहले वो गुड्स या फिर सर्विस होना चाहिए, ठीक है। उसके तो हम लोगों ने गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, सिर्फ गुड्स एंड सर्विस होने से नहीं होगा, समथिंग नीड्स टू बी हैपन टू दैट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या देखा, फिर सप्लाई देखा, और गुड्स एंड सर्विसेज के साथ क्या होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 7 कंप्लीट हुआ था अभी, एंड सेक्शन 8 भी कंप्लीट किए थे, वेरिएंट्स ऑफ सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या सप्लाई होने से कोई भी पर्सन अगर सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो क्या वो जीएसटी ले लेगा? कोई भी पर्सन सप्लाई किया तो क्या वो जीएसटी चार्ज कर लेगा हमसे? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। कोई भी पर्सन जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कोई टैक्सेबल पर्सन सप्लाई करेगा तभी वो जीएसटी चार्ज कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वो जीएसटी कौन टैक्सेबल पर्सन किसको होना पड़ेगा, कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 107 जो है वो हमें टैक्सेबल पर्सन के बारे में बोलता है, ऑफकोर्स जीएसटी एक्ट वाला, ठीक है। देखिए, ए टैक्सेबल पर्सन मीन्स ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है, आइदर रजिस्टर्ड है या फिर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, आइदर वो रजिस्टर्ड है या फिर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। अभी सेक्शन 22 एंड 24 क्या है फ्रेंड्स, 22 एंड 24 है। 22 में जो है ना फ्रेंड्स, वो है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, एक पर्सन को कब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एंड 24 बोलता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, किसको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर जीएसटी एक्ट, ठीक है। तो आइदर जो पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो टैक्सेबल पर्सन है, या फिर जो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है जिसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आइदर अंडर सेक्शन 22 या फिर अंडर सेक्शन 24, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग ये होता है, यही लोग जीएसटी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेक्शन 22 में लाइबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ठीक है, सेक्शन 22 बेसिकली बोलता है कि जिस अगर आपका टर्नओवर 10 लाख या फिर 12 लाख से एक्सीड कर जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन बोलता है कि अगर आप लाइबल हो गए, मतलब आपका टर्नओवर 10 लाख 20 लाख से एक्सीड कर गया, ठीक है, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तब भी आप टैक्सेबल पर्सन है, दिस इज द ट्विस्ट, तब भी आप टैक्सेबल पर्सन होंगे और आपको जीएसटी देना पड़ेगा माई फ्रेंड्स। आप चार्ज नहीं कर सकते, यही रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट है कि आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो आप कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर पाओगे जीएसटी, लेकिन आपको गवर्नमेंट को तो पे करना पड़ेगा बिकॉज यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो गए तो आपको गवर्नमेंट को तो देना पड़ेगा फ्रॉम योर ओन पॉकेट, ठीक है, आपको अपने ओन पॉकेट से चार्ज करके देना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लोगे तो कस्टमर से आप कलेक्ट करके जीएसटी दे सकते हो। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो, आप जीएसटी का आईटीसी ले सकते हो, एक सीमलेस फ्लो हो सकता है आईटीसी का, ठीक है, एक से दूसरे सप्लायर को ट्रांसफ़र हो सकता है, कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, उसे सबको उसका क्रेडिट मिलता जाएगा, ठीक है। आप एक लीगली एक सप्लायर के हिसाब से आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा जीएसटी रेजिमी में, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं रजिस्ट्रेशन के, ठीक है, तो अभी हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। एंड जो रजिस्ट्रेशन है वो सेक्शन 22 से सेक्शन 30 तक है, ठीक है, ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। देखिए सेक्शन 22 क्या बोलता है फ्रेंड्स, देखिए सेक्शन 22 बोलता है, देखिए, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एक पर्सन कब लाइबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, देखिए, इफ़ एटीओ मतलब एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या फिर 10 लाख से बढ़ जाता है, ठीक है, अगर उसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से बढ़ जाता है तब उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे 20 लाख कब होगा और 10 लाख कब होगा, देखिए हमारे ना इंडिया में 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, 11 ठो स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं,
ठीक है। लेकिन जीएसटी में सेक्शन 22 के लिए ओनली 4 स्टेट ऐसा है जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट माना गया है, SCS स्पेशल कैटेगरी स्टेट, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है, आप इसको MMTN बोल के भी याद कर सकते हैं, MMTN मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। अगर आप यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं ठीक है, तो आपका लिमिट क्या हो जाएगा, 10 लाख। अप टू 10 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। 10 लाख से अगर आपका टर्नओवर 1 रुपये भी बढ़ गया, देन यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22। ठीक है, अदर जितने भी स्टेट हैं सबके लिए है 20 लाख। ठीक है, MMTN को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उसको बोला, उनमें कितना लिमिट है, 20 लाख। इन द स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई, इसका मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड, आप रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ लेना है, जहाँ से आप सप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट से, मैं उड़ीसा में हूँ, उड़ीसा से अगर सप्लाई कर रही हूँ, देन आई नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन उड़ीसा। ठीक है, मैंने उड़ीसा से कोलकाता सप्लाई किया, देन आई नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन उड़ीसा, नॉट इन कोलकाता। ठीक है, मैं उड़ीसा में रजिस्ट्रेशन करूँगी, फ्रॉम वेयर द सप्लाई इज मेड, जहाँ से मैंने, और वो भी क्या, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, नॉन टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। मैं अगर टैक्सेबल सप्लाई करूँगी तभी मुझे रजिस्ट्रेशन का ज़रूरी है, और जिस स्टेट से कर रही हूँ सप्लाई उसी स्टेट में मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत, बट बहुत समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आप जिस स्टेट से सप्लाई कर रहे हैं आपको उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, और वो भी अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तभी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, अभी देखिए एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, सप्लाई कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, आपका जो सप्लाई होता है ना फ्रेंड्स, एक सेकेंड देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए सप्लाई जो होता है ना फ्रेंड्स, ये 2 टाइप का है। ठीक है, एक तो होता है टैक्सेबल, एक होता है नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला है, जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, एक तो है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो नोटिफाई नहीं है, कभी नोटिफाई होगा भी नहीं, वो तो आर्टिकल से ही निकल गया है। ठीक है, बाकी था HP मैन, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या था, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, ये 5 चीज़ प्लस ये 1, 6 थिंग्स। ठीक है, अगर आप ये चीज़ सप्लाई कर रहे हैं ठीक है, तो आप नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए, और एक होता है टैक्सेबल। अब ये टैक्सेबल 3 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक तो वो है जिस पे GST रेट है एंड आप उस पे टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, 1%, 2%, 5%, 18%, 20%, आपके पास GST रेट है एंड आप टैक्स दे रहे हैं, वो होता है लेवीएबल टू GST विथ रेट, उसमें रेट है। और एक होता है जिसमें GST तो लेवीएबल है लेकिन फॉर द टाइमिंग उसका रेट है 0%, नील रेट है, बट वो भी टैक्सेबल है ना, टैक्सेबल है। और एक होता है एग्जिम्प्टेड। ठीक है, जो कि GST लगता है, लेवीएबल भी है, रेट भी है, लेकिन फॉर द टाइमिंग नोटिफिकेशन लाके उसको एग्जिम्प्ट कर दिया गया है कि हाँ फॉर द टाइमिंग कुछ टाइम के लिए उस पर GST नहीं लगेगा, अगर एग्जिम्प्शन नोटिफिकेशन हटा देंगे तो उस पर फिर से रेट लगने लग जाएगा। समझ में आया? ठीक है, और एक क्या चीज़ आपको बताऊँ, ये होता है ना होली एग्जिम्प्ट। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है। ठीक है, अभी देखिए एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या बोला गया, वैल्यू ऑफ क्या क्या इंक्लूड करेगा। ठीक है, आपका जो आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है, आपका जो सप्लाई बोलोगे, टर्नओवर बोलोगे, क्या आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज, आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, देखिए जितना भी आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे। ठीक है, टैक्सेबल क्या था, जिस पे नील रेट लगे, जीरो रेट लगे, या फिर एग्जिम्प्टेड हो, लेकिन वो टैक्सेबल था, टैक्सेबल प्लस एग्जिम्प्टेड जिस पे एग्जिम्प्शन नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, प्लस जितना एक्सपोर्ट किए, फ्रेंड एक्सपोर्ट होता है ना जीरो रेटेड। ठीक है, एक्सपोर्ट को हम जीरो रेटेड बोलते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है ये मैं आपको भी बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, फिर होता है इंटर स्टेट सप्लाई, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई किए हो उसको भी इंक्लूड करोगे, और पर्सन हैविंग सेम पैन। एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स, जो GST का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है ना वो पैन बेस्ड है। ठीक है, तो आप एक ही पैन के अंडर जितना भी जगह आप ऑपरेट कर रहे ना, आपका ब्रांच या फिर जो भी, एक ही पैन के अंडर आपको उस सब के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अगर वो डिफरेंट स्टेट में है तो। GST का रजिस्ट्रेशन जो है ना सेंट्रलाइज्ड नहीं है,
सर्विस टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन था ना वो सेंट्रलाइज था, आपको एक ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था पूरे इंडिया में। लेकिन जीएसटी का जो है ना आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर मेरा एक कोचिंग सेंटर उड़ीसा में है, दूसरा कोचिंग सेंटर कोलकाता में है, तो मेरे को उड़ीसा में एक डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एंड वेस्ट बंगाल में डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा ओडिशा में एक कोचिंग सेंटर है, ठीक है, एक जगह पे, एंड ओडिशा में ही दूसरी जगह पे दूसरा कोचिंग सेंटर है, देन मेरे पास ऑप्शन है, आइदर मैं एक सिंगल रजिस्ट्रेशन भी ले सकती हूँ या फिर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी ले सकती हूँ। अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लूँगी तो एक इंस्टीट्यूट को, एक कोचिंग सेंटर को मेरे को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मानना पड़ेगा एंड दूसरा को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मानना पड़ेगा। अब ये प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊँगी। ठीक है, तो उस केस में दोनों को सिंगल पर्सन मानेंगे, लेकिन अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन लूंगे तो उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे, जो कि कल या परसों मैंने आपको बताया था कि डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या जाएगा फ्रेंड्स, एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ जाएगा। आप एग्जिम्पटेड सप्लाई करो, नील रिटेल करो, एक्सपोर्ट करो, इंटर स्टेट करो। ठीक है, आप अगर आप एजेंट हो और आप अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में कर रहे हो तो भी उसको आप अपने टर्नओवर में इंक्लूड करो। ठीक है, सेम पेन के अंडर में आप ऑल इंडिया में जितना भी सप्लाई करोगे सबको इंक्लूड कर दो। एक्सक्लूड क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड तो आप सब कुछ करोगे, एक्सक्लूड क्या होगा वो देखिए। एक्सक्लूड क्या होगा फ्रेंड्स, जीएसटी, जितना भी आपने सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपेंसेशन सेस लगाया होगा। ठीक है, 1 लाख रुपया का मैंने सेल किया, सपोज 10% जीएसटी के हिसाब से 10,000 रुपया का टैक्स लगाया। ठीक है, तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई जो टोटल टैक्सेबल, मतलब टोटल एग्रीगेट वैल्यू आ जाएगा वो क्या होगा, 1,10,000। तो मैं सप्लाई 1,10,000 लिखूंगी एग्रीगेट टर्नओवर में या फिर 1 लाख लिखूंगी, हम 1 लाख लिखेंगे, 10,000 हम नहीं लिखेंगे, जीएसटी को एक्सक्लूड करके एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट होगा। ठीक है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस एंड इनवर्ड सप्लाई ऑन आरसीएम बेसिस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिस। यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, आरसीएम बेसिस हो गया, प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, मेरे को ये सब चीज़ आपको अभी क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होंगी। ठीक है, आरसीएम बेसिस देखिए, देखिए नॉर्मली क्या होता है ना फ्रेंड्स, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, क्या होता है देखिए, नॉर्मली क्या हुआ, एक्स है सप्लायर, ठीक है, वाई आया, वाई कौन है, कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर आया, इसके पास आया, चल चल के आया, इससे गुड्स लिया। ठीक है, एक्स हो गया सप्लायर, ये हो गया बायर। ठीक है, ये आया, इससे गुड्स लेके गया, सपोज 100 रुपीज़ का गुड्स लेके गया। ठीक है, और उस पर जीएसटी सपोज 5 रुपया लगा। ठीक है, 105 रुपीज़ हुआ। ओके, कस्टमर क्या किया, 105 रुपीज़ एक्स को दे दिया। ठीक है, अभी एक्स क्या करेगा बेटा, 105 रुपीज़ में से वो सारा थोड़ी रखेगा, वो क्या करेगा, 100 खुद रखेगा एंड 5 रुपीज़ जो है ना वो गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एक ही बार बता रही हूँ, बार बार नहीं बताऊँगी, पूरे क्लासेस में ये बार बार ये टर्म्स आएंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जो कि नॉर्मली आप लोग को भी पता होगा, आप लोग जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं सप्लायर को, एंड सप्लायर जाके क्या कर रहा है, खुद का चीज़, खुद का वैल्यू रख रहा है, जीएसटी अमाउंट गवर्नमेंट को दे दे रहा है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहाँ के सप्लायर टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। और एक होता है फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो हम चार्जेस ऑफ जीएसटी में क्लियरली पढ़ेंगे कहाँ पे आरसीएम लगता है, लेकिन अभी बस मैं उसका मीनिंग बता रही हूँ आपको। ठीक है, सपोज क्या है, एक डायरेक्टर है, ठीक है, एक्स एक डायरेक्टर है, कंपनी का डायरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे है ए लिमिटेड, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे है ए लिमिटेड, एक्स क्या किया, ए लिमिटेड को सर्विस दिया। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स ए लिमिटेड को सर्विस दिया, नॉर्मली क्या होना चाहिए, ई इसको देगा, फी देगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होना चाहिए, ये इसको सर्विस दिया तो ये फी प्लस जीएसटी चार्ज करना चाहिए। ठीक है, एंड ये क्या, ये उसका वैल्यू होना चाहिए, प्लस जीएसटी चार्ज करेगा सर्विस का वैल्यू। ठीक है, लेकिन क्या ये डायरेक्टर रजिस्टर्ड होगा, आप बताइए। अभी देखो, अभी ये सप्लायर रजिस्टर्ड होगा, ये जाके गवर्नमेंट को पे कर दे रहा है। ठीक है, अभी ये डायरेक्टर को फी मिल के सपोज 20 लाख तक का फीस नहीं मिल रहा है, इसका तो टर्नओवर एक्सीड ही नहीं करेगा, सर्विस में कितना वैल्यू लेगा वो,
अगर एक्सीड नहीं करेगा उसका वैल्यू, अगर एक्सीड नहीं करेगा डायरेक्टर का वैल्यू तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेगा ना, कंपनी जीएसटी पे करेगा ना एक्स जाके वो डायरेक्टर जाके गवर्नमेंट को पैसा देगा। इस केस में बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे ठीक है, जहाँ पे इनका लिमिट एक्सीड कमाते तो थे बट लिमिट एक्सीड नहीं करता था, तो उनको क्या रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ता था ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोला कि ए लिमिटेड, आप जब आपके डायरेक्टर को देंगे ना बेटा पैसा, तो आप बस उसको उसका सर्विस अमाउंट दे दीजिए। फॉर एग्जांपल इसका फीस है 10,000 ठीक है, और सपोज जीएसटी है 100 रुपीज़ ठीक है, लगता जीएसटी। गवर्नमेंट बोला ए लिमिटेड को कि आप डायरेक्टर को बस 10,000 रुपीज़ दीजिए ठीक है, और जो 100 रुपीज़ है ना जो आप डायरेक्टर को देते, फिर डायरेक्टर गवर्नमेंट को देता, अगर ये रजिस्टर्ड होगा टैक्सेबल पर्सन होगा तब तो देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। तो वो बोला ये 100 रुपीज़ आप हमें डायरेक्टली दे दीजिए ठीक है। यहाँ पे सर्विस रिसीवर कौन है, ए लिमिटेड है ना, डायरेक्टर ए लिमिटेड को सर्विस दे रहा है, मतलब प्रोविज़न के हिसाब से तो सप्लायर टैक्स पे करता है, सप्लायर जाके टैक्स भरता है, कस्टमर से लेता है सप्लायर पे करता है, सर्विस फीस के साथ जीएसटी भी लेता, गवर्नमेंट को पे कर देता। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जो रिसीवर है ना वो सिर्फ वैल्यू अमाउंट देगा अपने सप्लायर को ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर को सिर्फ वैल्यू अमाउंट देगा, एंड जो जीएसटी अमाउंट है वो डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट को पे कर देगा ठीक है। इसको बोलते हैं आरसीएम बेसिस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिस। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को सब चीज़ क्लियर हो रहा होगा ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है ठीक है। देखिए ए प्लेस ऑफ बिजनेस होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 के डेफिनेशन में, देखिए ए प्लेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरली कैरिड ऑन एंड इंक्लूड्स ए वेयर हाउस ए गोडाउन और एनी अदर प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन स्टोर्स हिज गुड्स सप्लाइज और रिसीव गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और ए प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, और ए प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। इसका मतलब क्या समझे फ्रेंड्स, देखिए मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब जहाँ से आप नॉर्मली बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा शॉप है मैं वहाँ से बेच रही हूँ वो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है ठीक है। एंड इंक्लूड्स ए वेयर हाउस, कहीं दूर मेरा एक वेयर हाउस है जहाँ से मैं सप्लाई कर रही हूँ वो भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा ठीक है। ए प्लेस वेयर वेयर ए टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैं एक सीए रखी हूँ ठीक है, वो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं और मेंटेन कर रहा है कहीं और प्लेस पे, तो भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा। ए प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट, मेरा एजेंट कहीं और है वहाँ से मेरे लिए वो गुड सप्लाई कर रहा है, तो वो भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा ठीक है। तो जहाँ पे मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरा वेयर हाउस जहाँ से मैं सप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पे मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही हूँ, एंड जहाँ से मेरा एजेंट भी मेरे लिए सप्लाई कर रहा है, वो सारे मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएंगे ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, अभी आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया अगर कोई पर्सन का डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में एंड वन ब्रांच इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। देखिए अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है, MMTN मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड ठीक है, चार जगह पे लिमिट क्या था एग्रीगेट टर्नओवर का 10 लाख, 10 लाख तक रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। तो बोला गया अगर मेरा डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस है ठीक है, एक प्लेस ऑफ बिजनेस उड़ीसा में है, एक कोलकाता में है, एक मणिपुर में है, तीन हो गए, दो हो गए अदर स्टेट, एक हो गए स्पेशल कैटेगरी स्टेट, MMTN में फॉल कर गया, मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड मणिपुर में फॉल कर गया, तो अभी मेरा लिमिट क्या होगा, 20 लाख या फिर 10 लाख, क्या लिमिट होगा फ्रेंड्स, अभी मेरा लिमिट रिड्यूस हो जाएगा 10 लाख को ठीक है। अगर एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस अगर मेरा MMTN में फॉल कर गया, अंडर सेक्शन 22 स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है, MMTN है, अगर MMTN में मेरा एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस फॉल कर गया तो मेरा लिमिट 20 लाख से क्या घट के क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। लेकिन वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो MMTN है वहाँ से आपको टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है ठीक है। अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं या फिर एग्जिम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं, नील रेटेड सप्लाई कर रहे हैं, तब आपका लिमिट 20 लाख ही रहेगा, तब आपका लिमिट 10 लाख को नहीं घटेगा। वहाँ से आपको एकदम टैक्सेबल सप्लाई करना है जिस पे जीएसटी करेंटली लग रहा है, रेट पे लग रहा है, नील नहीं है, एग्जिम्प्टेड नहीं है, नॉन टैक्सेबल नहीं है, तभी आपका लिमिट घट के 10 लाख हो जाएगा ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नोटिफिकेशन आया था अक्टूबर 2019 में ठीक है, अक्टूबर 2019 का नोटिफिकेशन आया था कि अगर कोई पर्सन है
जो कि एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई कर रहा है, एक्सक्लूसिवली गुड्स, सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो उसको लिमिट दे दिया गया 40 लाख का। ठीक है, ये 20 लाख एंड 10 लाख का क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में तो 10 लाख से आप गुड्स सप्लाई करो, सर्विस सप्लाई करो, सर्विस और गुड्स बहुत जो भी सप्लाई करो, ठीक है। लेकिन बाकी में क्या था, 20 लाख का था, लेकिन बोला गया कि अदर स्टेट में अगर आप सिर्फ गुड्स सप्लाई करोगे, सिर्फ गुड्स, ठीक है, तो आपको 40 लाख तक का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए 4 एक्सेप्शन दे दिए, क्या था देखिए, पहला एक्सेप्शन वो दे दिया सेक्शन 24। बताया मैंने आपको, इसमें हम डिटेल्स में जाएंगे बाद में, सेक्शन 24 क्या है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अगर एक इंसान को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है सेक्शन 24 के अंदर, तो फिर उसको ये 40 लाख वाला लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरा बोला गया वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन, अगर कोई पर्सन को रजिस्ट्रेशन लाइबिलिटी नहीं है, उसको करने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो सो मोटो कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, तो फिर उसको 40 लाख वाला लिमिट देके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो खुद से तो कर रहा है ना रजिस्ट्रेशन, वो ऐसे भी लाइबल नहीं है, ठीक है। थर्ड बोला गया, अगर आप सप्लाई कर रहे हो पान मसाला, आइसक्रीम, आइसक्रीम प्रोडक्ट एंड टोबैको, अगर आप ये 3-4 चीज़ सप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन, आपको 40 लाख वाला लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड फोर्थ बोला, इंटर स्टेट सप्लाई इन द स्टेट ऑफ दिस दिस दिस, ये जो 10 स्टेट हैं इंक्लूडिंग MMTN 4 हो गया, 6 और स्टेट है, अगर 10 स्टेट में आप सप्लाई करोगे इंटर स्टेट, तो फिर आपको ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। मतलब बेसिकली इनका मोटो था कि 10 स्टेट को, 28 स्टेट में से 10 स्टेट को आप निकाल दीजिए, बाकी 18 स्टेट के लिए ये 40 लाख वाला लिमिट एप्लीकेबल है, ठीक है। वो 10 स्टेट कौन कौन से हैं देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना एंड उत्तराखंड, ठीक है फ्रेंड्स। ये दस स्टेट में 40 लाख वाला लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इस 10 स्टेट में आप सप्लाई ऑफ गुड्स करो या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस करो, यहाँ पे MMTN इंक्लूडेड है, 1M निकाल दीजिए, 1M और निकाल दीजिए, मेघालय को छोड़ दीजिए, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, T1 निकाल दीजिए, त्रिपुरा, N को निकाल दीजिए, नागालैंड। MMTN पे तो फ्रेंड्स 10 लाख का लिमिट ही एप्लीकेबल है, सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विस हो, ठीक है। बाकी ये जो बच गया ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 बच गया ना, इसके लिए फिर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, 20 लाख वाला, आप गुड्स सप्लाई करो, सर्विस करो या फिर बोथ करो, 20 लाख वाला हो जाएगा। बाकी जो बचे अदर स्टेट इंक्लूडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट कितने हैं, 11 है, ठीक है। अभी तक इसमें कितने गए हैं, इसमें गए हैं ये 4 और बाकी 4 8 गए हैं, 3 अभी भी बचे हैं, क्योंकि आपका जो है ना फ्रेंड्स ये पुदुचेरी और एक है आपका तेलंगाना, ठीक है, ये 2 स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है, 11 स्टेट में ये फॉल नहीं करते हैं। ये 2 कट जाएंगे, ये 4 कट गए, तो बाकी कितने बचे, और 4 बचे, तो 4, 4, 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट यहाँ चले गए, और 3 है, और 3 क्या है, जय हो, मूवी देखे हो जय हो, ठीक है, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट, ये 3 आते हैं आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, ठीक है, जो कि आर्टिकल में बोला है 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड बाकी अदर स्टेट। इसके लिए क्या है फ्रेंड्स, 40 लाख वाला लिमिट एप्लीकेबल है। अगर आप इन सब स्टेट्स में, मतलब ये 10 को छोड़ के बाकी में अगर आप ओनली गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्शन टू दिस 4 कैटेगरीज, आप 24 में लाइबल नहीं हो, वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो, पान मसाला, टबाको, आइसक्रीम सप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर ये 10 स्टेट में सप्लाई नहीं कर रहे हो, देन आप 40 लाख लिमिट तक आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर 1 भी रुपया का सर्विस सप्लाई कर दिए, देन आपको 20 लाख वाला लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्विक रिविज़न कराऊँगी, छोटा सा, देखिए 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 रजिस्ट्रेशन लिमिट में क्या बोला गया, MMTN में क्या है फ्रेंड्स, 10 लाख का लिमिट है, सप्लाई ऑफ गुड्स हो, सर्विस हो, बोथ हो, कुछ भी हो, MMTN अगर आ गया 10 लाख, सप्लाई ऑफ गुड्स हो, सर्विस हो, बोथ हो, अगर जो 6 स्टेट हैं उस पर क्या है, 20 लाख का लिमिट है, उसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, पुमाज ऑफ तेलंगाना, ठीक है, पी में पुदुचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड तेलंगाना, ठीक है, इसमें है 20 लाख। बाकी जो जय हो है जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट में, अगर आप ओनली गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू 4 एक्सेप्शन,
ठीक है, तो लिमिट क्या हो जाएगा 40 लाख। अगर सप्लाई ऑफ सर्विस कर दिया या फिर गुड्स के साथ सर्विस दे दिया तो लिमिट्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 20 लाख। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, क्लियर है ना? देखिए ये था पहला चीज़, सेक्शन 22 का पहला चीज़ था कि अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 20 लाख या 10 लाख तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको हम डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है, अभी देखिए दूसरा है, और किसको कराना पड़ेगा, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एग्जिस्टिंग लॉ। जब जीएसटी आया था ना, अभी ये नहीं है, जब जीएसटी आया था ना फ्रेंड्स, तो जो लोग वैट में रजिस्टर्ड थे, सर्विस में रजिस्टर्ड थे, तो उनको क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी था, विद इन 30 डेज समथिंग टाइम लिमिट है उसके, मतलब इमिडिएटली आपको रजिस्ट्रेशन करवाना था। ठीक है, थर्ड में बोला गया ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न देन ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन विदाउट एनी लिमिट। देखिए ये मैंने आपको बताया था जब सप्लाई सेक्शन 7(1) पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया था कि एक एक्सेप्ट, दो एक्सेप्शन है बिजनेस को एसेट अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो सप्लाई नहीं होता है, स्टिल यहाँ पे ट्रांसफरी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मेरे पापा हैं, मेरे पापा ने बिजनेस मेरे को दे दिया, ठीक है, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे नो डाउट, लेकिन मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मैं जब सप्लाई करूँ तब क्या मैं जीएसटी पे कर सकूँ, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोला गया एमालगेमेशन डीमर्जर के केस में अगर दो कंपनी मिल जाते हैं या फिर एक कंपनी स्प्लिट हो जाती है तो जो नया कंपनी फॉर्म होता है ना उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन 22 क्लियर है? ठीक है, किसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है क्या, ये आप डिटेल्स में पढ़िए घर जाके। बस मैं आपको दो छोटे छोटे एग्जांपल्स करवा रही हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। देखिए उदय एंटरप्राइजेस इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वो क्या कर रहा है फ्रेंड्स, टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा है। इट ऑल्सो सप्लाइज एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम नागालैंड। ठीक है, नागालैंड किस में फॉल कर रहा है, MMTN में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है, वहाँ का लिमिट क्या था, 10 लाख वाला लिमिट था। ठीक है, तो अगर, और महाराष्ट्र क्या है, MMTN में फॉल नहीं करता है, नॉर्मल स्टेट है, तो अगर आप एक नॉर्मल स्टेट में हैं और एक MMTN में फॉल करते हैं तो आपका लिमिट कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा, MMTN वाला लिमिट, 10 लाख वाला आपका लिमिट रिड्यूस हो जाएगा 10 लाख को, प्रोवाइडेड आपका टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए MMTN से। अगर वो नॉन टैक्सेबल है या फिर एग्जिम्प्टेड है तो आपको 20 लाख का ही लिमिट एप्लीकेबल होगा। प्रोविज़न याद है, देखिए इट ऑल्सो सप्लाइज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम नागालैंड। नागालैंड से वो क्या कर रहे हैं, नॉन टैक्सेबल गुड सप्लाई कर रहे हैं। इट्स टर्न ओवर इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर इज 34 लाख इन महाराष्ट्र एंड 8 लाख इन नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में 8 लाख है एंड महाराष्ट्र में 34 लाख है। तो फ्रेंड्स देखिए एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा, उसमें तो सब इंक्लूड होगा, टैक्सेबल हो, नॉन टैक्सेबल हो, एग्जिम्प्टेड हो, नील डेटेड हो, तो टर्नओवर लिमिट देखने के लिए आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है, 34 प्लस 8 करेंगे, ठीक है 42 लाख आप लोग टर्नओवर देखने के लिए इंक्लूड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उसको लिमिट कौन सा एप्लीकेबल होगा, 20 लाख वाला या 10 लाख वाला, ऑफकोर्स 20 लाख वाला, बिकॉज एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो नॉन टैक्सेबल गुड्स है। ठीक है, आंसर पढ़ते हैं, सिंस उदय एंटरप्राइजेस इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम महाराष्ट्र द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन इज 40 लाख। ठीक है, वो एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई कर रहा है महाराष्ट्र में कर रहा है तो क्या लिमिट एप्लीकेबल होगा, 40 लाख। हाउ एवर द थ्रेशोल्ड लिमिट विल नॉट बी रिड्यूस टू 10 लाख। अगर वो MMTN में सप्लाई कर रहा है तो 10 लाख में रिड्यूस हो जाना चाहिए, लेकिन वो रिड्यूस होगा क्या, नहीं होगा। देखिए ए सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम नागालैंड वन ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट आर नॉन टैक्सेबल सप्लाई इन द गिवन केस सिंस द एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ उदय एंटरप्राइजेस एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख। इसका एग्रीगेट टर्न ओवर कितना हो गया, 34 प्लस 8 42 हो गया, 40 से एक्सीड कर गया, इट इज़ लाइबल टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा फ्रेंड, लेकिन क्या वो नागालैंड में भी रजिस्ट्रेशन लेगा, वो नागालैंड में रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन हमें वहीं लेना है फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई करेंगे तभी जीएसटी लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा तभी रजिस्ट्रेशन लेंगे, लाइबिलिटी पे ही नहीं करना है तो रजिस्ट्रेशन क्यों फोकट का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया इट इज़ लाइबल टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन, इट विल ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र बट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन इन नागालैंड एज ही इज़ नॉट मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम द सेड स्टेट।
तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से कि कैसे प्रोविजंस अप्लाई करना है एंड कैसे आप लोग सोचेंगे. आपका सोचने का तरीका मैटर करता है कि आपको प्रोविजन को कैसे पुट अप करना है हर एक केस में. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको सोचना है कि हाँ क्या हो सकता है एंड क्या होने वाला है. ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए एंड कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 23.